रात्रि में सोए और रात्रि में ही उनका 82 साल की उम्र में पत्नी और बच्चे घर द्वार धन दौलत सबको छोड़ के चले गए। चलते फिरते बिस्तर में पड़ करके जाए तो समझ में आता है, चलते फिरते सत्संग में आए थे, हम लोग भी आए हैं सत्संग में। एक आदमी है, स्नान करने के लिए तालाब में गया था, तालाब में स्नान किया, कपड़ा पहना, और जो कपड़ा पहना था उसे पत्थर में धो रहा था, बस गिर गया। लोग देखे तुरंत उसको उठा करके बाहर किए, घर में संदेश दिए, कभी भी मौत आ सकती है, जिंदगी का नहीं है घर ठिकाना, लेकिन जिंदगी रहते रहते अपने भविष्य का निर्माण कर लो। भविष्य निर्माण करने का समय केवल वर्तमान है, आज हम सबके लिए वर्तमान है, आज का दिन, अभी का समय। जैसे अभी हम सब बैठे हैं, सत्संग को सावधान सुन धरु मन माही, सावधान होकर के सुने और मन में धारण करें। कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, सब कुछ को छोड़ दिया। इसी क्षण कोई श्वास रुक गया तो नर नारी गृहस्थ विरक्त नहीं पहुंच पहचानेगा, सीधा मुक्ति है, जन्म मरण से सदा के लिए बच गया वह आत्मा। चित्त को कहाँ जोड़ा? सत्संग में, सत के संग में, निर्णय वाणी में ही चित्त को जोड़ दिया। उसके पहले क्या क्या करता था उधर आप ध्यान मत दीजिए। निर्वाण होने में केवल इच्छा ही, चाहना ही सब समाप्त हो गया, केवल सत्संग में ही मन, आत्मा में ही मन, तो निर्वाण है। इसलिए वर्तमान हमारा कैसा है, भविष्य कैसा था, भूत कैसा था, भूत जो चला गया, भूत की चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ, भविष्य के लिए वर्तमान का ही चिंतन करो, खोज करो वर्तमान। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है तीनों काल में, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, वह अजर अमर अखंड आत्मा है, वही अविनाशी है। अनादिकाल से यह आत्मा है, शरीर धरते छोड़ते आ रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं क्या तुम जानते हो ये शरीर धरने और छोड़ने का प्रक्रिया कब से चले आ रहा है? भिक्षु कहता है, नहीं बनते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं तुम्हारे शरीर धरने और छोड़ने का प्रक्रिया है अनादिकाल से, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, शरीर धरते छोड़ते आ रहे हो। आज जो मिला है ये सत्य मान करके तुम भटक रहे हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसमें से कुछ भी तेरा नहीं है। ऐसे ही आज जैसे प्रिय के वियोग में, अप्रिय के संयोग में आंसू बहा रहे हो, ऐसे ही अनादिकाल से तू आंसू बहाते हुए आया है। भिक्षुओं तुम्हें पता है तूने कितना आंसू बहा चुका है इस अनादिकाल के संसार में? भिक्षु कहते, नहीं बनते। महात्मा बुद्ध कहते, सातों समुद्र के पानी भी कम है। तुम्हारा शरीर धरने और छोड़ने की प्रक्रिया है उसकी गणना नहीं की जा सकती है अनादिकाल से।
कब तक भटकोगे? अवसर आज मिला है, केवल आज, कल का कोई भरोसा नहीं। अनुकूल से अनुकूल, प्रिय से प्रिय, माता पिता पति पत्नी बेटी बेटा घर धन सब कुछ छूटेगा, सदा के लिए छूटेगा, सदा के लिए। इसलिए तुम्हारी आत्मा है, कहाँ जाएगा पुनः शरीर धरने के लिए? जैसे जहां आशा तहां बासा। सक्रिय आश्रम में एक भक्त ने पूछा, शरीर छूटेगा तो कहां जाएगा? मैंने कहा आप घर में हैं, घर से निकल गए शाम को 4 बजे, लोग आपके घर में आए पूछे कहाँ है घर मालिक, घर वालों ने कहा हमको बता करके नहीं गए लेकिन आश्रम गया है, क्योंकि वो रोज आश्रम जाता था इसलिए आश्रम गया है, दूसरे जगह नहीं जा सकता है। कोई कहेगा फलाना आदमी कहाँ है, वो जुआड़ी है जहाँ जुआ होता है वहाँ बैठा होगा, कोई गंजेड़ी है गांजा में पे जहाँ दम लगाता वहाँ बैठा होगा, वो होटलबाजी करता है जहाँ होटल है वहाँ बैठा होगा, जुआड़ी शराबी है ऐसे संगत में बैठा होगा। जहाँ जिनके आशा है इसी जीवन में वहाँ वो जाता है, भटकता है। तो मरने के बाद जहाँ आशा तहाँ जाएगा, जैसे आज के कर्म वैसे फल पाएगा, कहीं नहीं, कर्म है। देख लो, कर्म ही इंसान के अच्छी बुरी पहचान है। वंदे रब के वास्ते दे, कल न दोहराना पड़े। कर्म ही इंसान के पहचान है, क्या कर्म करता अच्छा या बुरा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। कोई देखे चाहे न देखे, खुदा कौन है, खुद तो देखते हैं। हम कहीं भी जाकर के छिप करके कुछ भी कर्म करें, अच्छा बुरा ध्यान चिंतन अथवा दुष्कर्म पाप कर्म कुछ भी करें, कोई देखे न देखे लेकिन मेरा दिल तो देखता है। औरों को से हम छिपा सकते हैं लेकिन अपने से नहीं छिपा सकते। कौन छिपा सकता है अपने से? इसलिए आज अवसर है, आज उस गणेश पाल के लिए वर्षा नहीं है, रात्रि में चल दे, कल अवसर था। धन्य ऐसे सत्संगी जिसका मन सत्संग में लगा था, हो सकता है यहाँ के सत्संग सुन करके गया होगा और वही मनन करता रहा होगा, क्या उसके आत्मा भटकेगा? कभी नहीं। शरीर छोड़ दिया, लोग गए शमशान में उसे दफनाने के लिए, लेकिन वह आत्मा सत्संग के प्रभाव से अच्छे सज्जन माता पिता के घर में जन्म लिया, कोख में चले गया, किसी सत्यवती पुण्यवती नर के नारी के गर्भ में पहुंच गया, पहुंच गया। और अच्छा पुनः सत्संग के प्रभाव से वह नर शरीर पाकर के फिर से भजन सत्संग करते हुए वह मोक्ष के भागी बनेगा, वह आत्मा भटक नहीं सकता है। चिंतन करके विचार करके देख लो, जो सत्संगी है कभी भटकेगा नहीं, चाहे कोई भटकाना चाहेगा तो भी नहीं भटकेगा। भटकता कौन है? जो लोभी है, मोही है, कामी क्रोधी है, रागी द्वेषी है, वही भटकता है। लेकिन सत्संगी पुण्य आत्मा कभी भटक नहीं सकता है, वह अपने में लौटता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूज्य श्री साहिब जी का आगमन,
सब लोग आगे से रख करके बैठ जाएं, बोलिए सतगुरु देव की जय। जरा जोर से जयकारा लगा दें, लोगों को जानकारी हो। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। इसलिए वर्तमान में हम सबको सावधान सुन धरु मन माही, सत्संग की बातों को सावधान होकर के सुने और मन में धारण करें। पता नहीं कब मौत आ जाए और हमें भी ले जाए, इसलिए चित्त को बिल्कुल जोड़ दें सत्संग में। क्या हो रहा है क्या घर में, उधर चिंता छोड़ दें, केवल सत्संग में ही चित्त को जोड़ें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। अभी पूज्यवर साहब जी के विचार सुन रहे थे। अब सभी से निवेदन है कि जो भी आएंगे सत्संग में अपने अपने जगह देख करके स्वयं बैठ जाएंगे, कोई बीच में बंदगी करने नहीं आएंगे। जिनको भी बंदगी करना होगा, कार्यक्रम के अंत में पूज्यवर साहब जी 5 मिनट 2 मिनट बैठे रहेंगे, आप लोग आकर के लास्ट में बंदगी कर सकते हैं। अब पूज्यवर साहब जी के विचार सुनी। विचार के पूर्व एक छोटा सा भजन, संत श्री शिवेंद्र साहब जी से निवेदन है कि एक भजन प्रस्तुत करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद से सुंदर ये तन तेरा, चांद से सुंदर ये तन तेरा। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में। हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी
खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताया, बूढ़ापन में रोग सताया, खाट पड़ा पछताएगा, खाट पड़ा पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा, जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।